वर्चुअल संवाद में सदर विधायक इकबाल महमूद ने संभल की जनता से संवाद करते हुए कहा कि पिछले सालों में जो काम नहीं हो सके हैं उसे आगे करने का कार्य किया जाएगा। भाजपा सरकार की नाकामी गिनाते हुए कोरोना काल में हुई जनता को असुविधा के लिए भाजपा सरकार पर करारा प्रहार किया। आइए सुनते हैं क्या कहा सदर विधायक इकबाल महमूद ने। हिंदुस्तान के अंदर इंतकाल कर गए, दवाई न होने की वजह से, बेड न होने की वजह से, पैसा न होने की वजह से, दवाएं न होने की वजह से और ऑक्सीजन न होने की वजह से, मगर इस सरकार ने, चाहे वो हमारे सूबे की सरकार हो चाहे मुल्क की सरकार हो, इस तरफ कुछ ज़्यादा गौर नहीं किया गया। हद तो यहाँ तक हो गई कि बहुत सी लाशें हमने देखी तैरती हुई समंदर नदियों में, जिनको दफन करने के लिए जगह नहीं मिली, जिनको जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिली। ये सब इतनी बातें पैदा हुई जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान रहे। उसके बाद में महंगाई का दौर आया, महंगाई इतनी बढ़ा दी गई कि गरीब आदमी का रहना और उनका अपने बच्चों को पालना मुश्किल हो गया। वही दौर अब भी चल रहा है। नौजवान हमारा सड़कों पर फिर रहा है अपनी डिग्रियां लेकर, नौकरियां नहीं मिल रही हैं और इस कोरोना दौर के अंदर तो नौकरियां देने की बात क्या, नौकरियां छीन ली गई, उनको हटा दिया गया नौकरी से, भुखमरी के कगार पर हमारे नौजवान आ गए। इन सब बातों को देखकर हमारे नेता मोहतरम जनाब अखिलेश यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मेरी सरकार बनी तो हम नौजवानों को नौकरियां देंगे। इनके जो है बिजली बहुत जलाते हैं या आता बिल बहुत आता है तो इनको हम 300 यूनिट बिजली का माफ़ करेंगे। ऐसा काम करेंगे जिससे जनता खुश हो। जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने तो लड़ाने की बात करी है, इन्होंने आपस में बांटने की बात करी है। मुल्क के अंदर कोई भी सरकार आए, चाहे वो केंद्र में आए या स्टेट में आए, उन सब स्टेट के चीफ मिनिस्टर का और देश के प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य बन जाता है कि अपने देश में रहने वाले, अपने सूबे में रहने वाले हर शख्स का वो ख्याल रखे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। मगर इन्होंने कोई काम भी ऐसा नहीं किया जो जनता के बीच में जाकर ये कह सके कि हमें इस काम के बदौलत हमें वोट मांगना है। वो वोट मांगते हैं सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर, सिर्फ मस्जिद और मंदिर के नाम पर, सिर्फ धारा 370 को हटाने के नाम पर। बताइए इन चीज़ों से क्या गरीब आदमी का पेट भर जाएगा, क्या उसके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। इन्होंने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देंगे, मुझे बताइए किसको दी गई आज तक। झूठे वादे किए। प्रधानमंत्री जिस स्तर पर बैठे हुए हैं, जिस गद्दी पर बैठे हुए हैं, उसका भी ख्याल उन्होंने नहीं रखा और झूठ बोलने की इंतहा कर दी। उन्होंने तो ये कहा था कि मैं आया हूँ, मेरे हाथ में झोला है, मुझे नकार दोगे तो मैं झोला उठा कर चला जाऊँगा, मगर उन्होंने अपने झोले भर लिए। देश को 2 आदमियों के ऊपर गिरवी रख दिया, अंबानी और अंडानी को।